बिसमिल्ल रिम्स अल्लाम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर थ्री मोशन एंड फोर्स का जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस स्टूडेंट्स मोमेंटम से आप फेमिलियर हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज़ मोमेंटम आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो आइसोलेटेड हो यानी कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहता है अच्छा अब अगर यही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है किसी एक्सप्लोजन के ऊपर अप्लाई करें एक्सप्लोजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्सप्लोड करती है तो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो है उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं देर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर मोमेंटम चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एग्जांपल व्हेन अ शेल एक्सप्लोड इन मिड एयर द फ्रेगमेंट फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट इक्वल्स दी इनिशियल मोमेंटम ऑफ दी शेल यानी कि अगर एक शेल जो है वो एयर के अंदर एयर में मिड एयर पे एक्सप्लोड होता है तो आफ्टर जो है एक्सप्लोयन उसके फ्रेगमेंस का जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा सपोज अ फॉलिंग बॉम्ब एक्सप्लोर्ड इन टू टू पीसेज ये अब एक पिक्चर बनी हुई है ये एक बॉम है जो कि टू पीसेज में एक्सप्लोर्ड होता है तो एक पीस ये हो गया एक पीस ये हो गया आप देख रहे हैं ये दोनों पीसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इनिशियली जो बॉम्ब है वो अगर रेस्ट पे हो तो इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का क्या होगा जीरो आफ्टर जो है एक्सप्लोजन क्या होगा कि इन दो फ्रेगमेंट्स का अगर मोमेंटम आप ऐड कर लें तो एडिशन के बाद इनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो तो इस तरह बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो है मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो कॉन्सटेंट रहेगा यही सारी बातें यहां पर लिख तो दी गई हैं द मोमेंटा ऑफ द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स कंबाइन बाय वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू तो ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बॉम्ब मतलब कि इन फ्रेगमेंट्स का अगर आप मोमेंटम जो है ऐड करते हैं आफ्टर एक्सप्लोजन तो वो ये मोमेंटम जो है बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब के मोमेंटम के इक्वल आएगा अच्छा जी अब अगर आप एक और एग्जांपल ले लें बुलेट की और रा, राइफल की तो उस एग्जांपल में भी जो है आप देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग ऑफ बुलेट कंसीडर एन अदर एग्जांपल ऑफ बुलेट ऑफ मैस एम फायर्ड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मैस एम अब जो राइफल है उसका मैच बड़ा है उसका मैस आपने ले लिया कैपिटल एम और जो बुलेट है उसका मैस आप ले, ले लेंगे स्मॉल एम अ अलॉसिटी वी जो राइफल है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव करेगी इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड फायर इज जीरो इनिशियली जो है राइफल जो है वो रेस्ट पे होगी तो इनिशियली मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल जो है वो जीरो होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन द बुलेट इज फायर द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड फायर सॉरी राइफल स्टिल रिमेन जीरो कह रहे हैं कि आफ्टर जब आपने जो बुलेट है उसको फायर कर दिया तो उसके बाद भी जो है सिस्टम का मोमेंटम सिस्टम क्या है बुलेट है और राइफल है इनका मोमेंटम जो है आफ्टर आफ्टर द फायर ऑफ द बुलेट भी जो है वो जीरो ही रहना चाहिए तो वो जीरो किस तरह होगा कुछ सर्टन की सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स हैज एक्टेड ऑन दम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही राइफल पे और बुलेट पे दस इफ वी प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल देन अब देखें आप बिफोर कुलियन तो दोनों चीजें रेस्ट पे थी तो उनका मोमेंटम क्या है जीरो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जीरो अब जब आपने बुलेट को फायर किया तो आफ्टर द फायर ऑफ बुलेट क्या होगा एम वी जो होगा ये होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट बुलेट का मैथ है एम वी उसका वी उसकी विलोसिटी होगी प्लस कैपिटल एम राइफल का मैथ है और वी प्राइम है राइफल की विलोसिटी अब आपको पता है जब फायर होती है बुलेट तो जो होती है राइफल या गन जिस भी चीज से वो फायर होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है यानी वो रिकॉयल कर जाती है इन ऑर्डर टू कंजर्व दी मोमेंटम यानी जितने ज्यादा मोमेंटम के साथ बुलेट आगे फायर होगी उतने ही मोमेंटम के साथ जो है राइफल वो पीछे की तरफ मूव करेगी या रिकॉयल करेगी तो अगर ये इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का तो बुलेट का और राइफल का मोमेंटम ऐड करने से फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का अब यहां चूंकि जीरो है इसे एक चीज को अगर आप इधर रहने दें इस चीज को के क्न के इस साइड पे ले दें तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से आप वी प्राइम निकाल सकते हैं जो के माइनस एम बी ओवर कैपिटल एम के इक्वल होगा दस दिट मोमेंटम ऑफ द राइफल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट सिंस मैस ऑफ राइफल इज मच ग्रेटर देन द द बुलेट इट दैट राइफल मूव्स बैक और रिक्वास विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफ द वेलोसिटी द बुलेट यानी कि बुलेट का मैस बहुत कम होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे मूव करती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है जबकि मैस ऑफ राइफल जो है राइफल का मैस बहुत ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है वो वेलोसिटी कम वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ मूव करती है तो इस तरह एक चीज का मैस जो है वो ज्यादा है और दूसरी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है तो जो बुलेट है वो जिस मोमेंटम के साथ आगे की तरफ मूव करेगी ज्यादा वेलोसिटी लेके कम मास के साथ जो राइफल है ज्यादा मास और कम वेलोसिटी के साथ बिल्कुल उतने ही मोमेंटम के साथ पीछे मूव करेगी तो इस तरह जो है जब राइफल से बुलेट फायर होगी तो उसका मोमेंटम जो है बिफोर द फायर ऑफ बुलेट एंड आफ्टर फायर ऑफ बुलेट जो है सेम रहेगा तो ये तो हमारा टॉपिक मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई बुलेट फायर होती है किसी राइफल में से तो बिफोर एंड आफ्टर जो है जो भी इवेंट टेक प्लेस हो रहा है उसके बिफोर एंड आफ्टर जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रॉकेट प्रोपल्शन स्टूडेंट्स आप रियल uh, लाइफ में आपने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बल्कि ये गेम ही है कि आप एक बैलून के अंदर एयर जो है वो फिल करते हैं अब अगर आप क्या करें उस बैलून को हवा में छोड़ दें तो क्या होगा कि उसमें से एयर जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी हवा उसमें से निकलेगी पीछे की तरफ और जो बैलून है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा यह आप सब ने अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी बलून में से हवा निकलती है हवा पीछे की तरफ मूव करती है और बलून जो है आगे की तरफ मूव करता है बिल्कुल इसी तरह, इसी तरह प्रिंसिपल पे एक जो होता है रॉकेट वो भी काम करता है कि उसके अंदर ये देखें रॉकेट इस तरह का होगा रॉकेट के अंदर कुछ गैसेस को फिल किया हुआ होता है ऑक्सीजन और फ्यूल का एक मिक्सचर होता है जिसको बर्न किया जाता है इस रॉकेट के अंदर जब वो बर्न होगा तो इसमें से हॉट गैसेस जो हैं वो इसके पीछे से रॉकेट की बैक साइड से निकलेंगी वो गैसेस वो हॉट गैसेस जब बाहर निकलेंगी तो वो हॉट गैसेस इस रॉकेट को अप थर्स्ट देंगी यानी ये प्रोपेल हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो जितना ज्यादा इसके अंदर आप फ्यूल बर्न करेंगे उतनी ज्यादा हॉट गैसेस इसमें से निकलेंगी और ये जो रॉकेट है उतनी ही ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगा तो अब इसको पढ़ लेते हैं हम रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय द इजेक्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ इट्स मैस बर्निंग गैस टू रियर रियर होता है पिछला हिस्सा यानी कि रॉकेट के पिछले हिस्से में कोई मैस बर्न हो रहा होता है जिसके वजह से उसमें से जो गैसे है गैसेस इजेक्ट होती हैं जिसकी वजह से रॉकेट को अपवर्ड जो है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपलशन मिलती है द फॉरवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट इज द रिएक्शन टू द बैकवर्ड फोर्स ऑन द इजेक्टेड मटीरियल एंड एज मोर मेटीरियल इज इजेक्टेड द मैस ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस एंड द रॉकेट इज एक्सपेल्ड with extremely high velocity the rocket gains momentum equal to the momentum of the gas expelled from the engine but in opposite direction the rocket engine's continue to expel gases after the rocket has begun moving and hence rocket continue to gain more and more momentum so instead of traveling at steady speed the rocket gets faster and faster so long the engine are ऑपरेटिंग यानी कि अगर एक रॉकेट है वो चल रहा है उसके अंदर गैसेस बर्न हो रही हैं इजेक्ट हो रही हैं हॉट गैसेस पीछे सॉरी उसके अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है और उसकी बैक साइड से गैसेस जो हैं वो इजेक्ट हो रही हैं और रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आप ज, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा अब रॉकेट का मैस तो अंदर से कम होता जाएगा मैस कम होगा तो उसका मोमेंटम बढ़ता है उसकी विलासिटी बढ़ती जाएगी जब विलासिटी चेंज हो रही होती है तो एक बॉडी हम क्या कहेंगे कि इसने एक्सेलरेशन गेन कर लिया है तो दैट मीन्स कि जब रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न होगा उसकी बैक साइड से गैसेस जो वो इजेक्ट होगी उसका मैस कम होता जाएगा तो रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैस कम होता जाएगा रॉकेट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा, होती जाएगी और रॉकेट जो है वो मजीद ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा वो एक्सेलरेशन जो है वो गेन करेगा अच्छा नेक्स्ट है

अच्छा दस किलो दस हज़ार किलोग्राम जो है मैस ऑफ फ्यूल एक सेकंड के अंदर बर्न होता है रॉकेट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जी और गैसेस कितनी ज़्यादा स्पीड से इजक्ट होती हैं फोर थाउजेंड मीटर पर सेकंड यानी इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ गैसेज जो हैं वो इजेक्ट होती हैं और रॉकेट को आगे की तरफ मूव करवाती हैं इन इफेक्ट <coughs> More than 80% of 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 the launch mass, launch mass, mass a rocket consists of fuel only. ट है इसका अस्सी फीसद हिस्सा ही फ्यूल से मिल के बनता है बाकी जस्ट इसका ट्वेंटी 20% है वो इसकी जो है आउटर सर्फेस या इसकी शेप बनाने में लगता है 80% परसेंट इसके अंदर फ्यूल होता है और जब फ्यूल बहुत सारे का सारा बर्न हो जाएगा तो रॉकेट जो है अपने जो भी इसको टारगेट दिया जाता है वहां पर जाके हिट करेगा वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इज़ टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सैबरल यानी कि फ्यूल जो है इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे रॉकेट्स को मिला के एक ही रॉकेट बनाया जाता है कि एक जब रॉकेट हंड्रेड परसेंट जब वो बर्न हो जाएगा तो वो फिर नेक्स्ट रॉकेट स्टार्ट हो जाएगा इस तरह क्या होगा जब बहुत ज्यादा रॉकेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पीड जो है ये गेन कर सकेगा अच्छा जी सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर व्हेन वन रॉकेट हैज डन इट्स जॉब इट इज डिस्कार्डेड लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट फर्दर अप एट इवन ग्रेटर स्पीड यानी कि नेक्स्ट को नेक्स्ट ने फिर ग्रेटर स्पीड से अपना स्टार्ट लेना है तो ये तो हमारा रॉकेट प्रोपल्शन अब हमने निकालना है जी एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ये जो रॉकेट है कितने एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव करेगा इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन होनी चाहिए ताकि कुछ सर्टन कैलकुलेशंस की जा सकें अच्छा जी अगर मैस एम जो है गैसेज इफ एम इज द मैस ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द इजेक्टेड गैसेज इज एम वी स्टूडेंट्स आपने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा फोर्स ड्यू टू तो वाटर फ्लो में हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि एफ इज इक्वल टू होगा मैस पर सेकेंड तो ये मैथ पर सेकेंड को आप अब क्या कंसिडर करेंगे ये मैथ है और ये वेलोसिटी इसके साथ आ गया तो यहां से हमने जो गेट किया है वो है एफ इज इक्वल टू एम बी अब जो दूसरी तरफ है चीज <coughs> दिस इज इक्वल टू दर्स प्रोड्यूस बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट अब आपको पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होगा यहाँ एम जो है ये रॉकेट का मैस है एफ इज इक्वल टू एम ए ले अब ये दोनों फोर्स की इक्वन है आप इन दोनों को इक्वेट कर दें यानी एम ए इज इक्वल टू एम वी यहाँ से एक्सेलेशन आप निकाल सकते हैं एक्सेलेशन इक्वल होगा एम वी और कैपिटल एम यहाँ एम क्या है मैस ऑफ द रॉकेट कैपिटल एम जो है मैथ ऑफ दी गैसेज है और वी क्या है विलॉसिटी ऑफ दी गैसेज है यानी के ये जो कैपिटल एम में कह रही थी मैथ ऑफ रॉकेट है सॉरी ये क्या है मैथ ऑफ गैसेज है ये मैथ रॉकेट है और ये क्या है गैसेस की Velocity है. तो अभी जो रॉकेट प्रोपलशन हमने पड़ा हमने देखा कि एक रॉकेट जो होता है इसका एटी परसेंट मैथ जो होता है वो फ्यूल होता है उस फ्यूल के बर्न होने की वजह इस से इसमें से हॉट गैसेज निकलती है उन हॉट गैसेस के बैकवर्ड मूव करने की वजह से इसको अपवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा अच्छा जी अब ये जो जैसे जैसे इसके अंदर फ्यूल बर्न होता जाएगा मैस कम होगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये जो रॉकेट है ये एक्सेलेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ ये मूव करता जाएगा उस एक्सेलेशन को निकालने का जो फार्मूला है वो है एम वी ओवर कैपिटल एम ये साथ लिख दिया गया है जी इफेक्ट ऑफ मैस एक्सेलरेशन वन द फ्यूल इन द रॉकेट इज बीइंग कंज्यूम्ड मैस रॉकेट एम कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड हैंस एक्सेलरेशन इंक्रीज अंटिल ऑल द फ्यूल इज बर्नड या तब तक जो है एक्सेलेशन बढ़ता रहता है जब तक कि सारे का सारा फ्यूल जो है वो बर्न नहीं हो जाता तो ये था हमारा टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी जस्ट आज हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसकी डेफिनेशन करेंगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसकी डेरिवेशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है अगर आप एक बॉल उठाते हैं अपने हाथ में और उसको फेंकते हैं जैसा आप समझें यहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे आप खड़े हैं आपने बॉल को फेंका तो बॉल जो है इस तरह का पाथ बनाते हुए अगेन जो है अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा तो ये जो इसने पाथ बनाया इसको बोलते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और इस वक्त आपकी बॉल क्या है वो प्रोजेक्टाइल थी तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी आपने इनिशियली बॉल को वेलोसिटी दी And that consequently follows a path determined by the gravitational force acting on it. <clears throat> अब जब आपने बॉल को निचे विलॉसिटी दिया आपने फेंक दिया इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी एक तो ग्रेविटी इसको नीचे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी डाउनवर्ड एक्ट करेगी ग्रेविटी और दूसरा जो एयर का रिएक्शन है वो इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा तो एयर का रिएक्शन इस बॉल को आगे की तरफ मूव करवाएगा और ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ मूव करवाएगी तो आप देख रहे हैं जो बॉल है ये कंटिन्यूसली आगे भी बढ़ रही है और नीचे भी गिर रही है आगे भी जा रही है और नीचे भी आगे भी और नीचे भी और एंड पे जाके क्या होता है कि ग्राउंड के साथ ये हिट कर जाती है तो एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ दिया जाता है इसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करती है और एयर का रिएक्शन भी इसके ऊपर एक्ट करता है इसकी टू डायमेंशनल मोशन होती है नेक्स्ट लिखा भी हुआ है अगेन पढ़ लेते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट कंसिक्वेंटली फॉलोज अ पाथ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड बाय बाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलेंगे प्रोजेक्टाइल है अच्छा जी इसकी काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं मिजल शूट फ्रॉम अ गन अ रॉकेट आफ्टर इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड एक जो रॉकेट है इसका फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो भी इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है मूव करेगा अ थ्रोन क्रिकेट बॉल एक क्रिकेट बॉल को भी अगर आप फेंक दें तो वो इसी तरह मूव करेगा एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ट्रेन और एरोप्लेन अगर आप एक एरोप्लेन या एक ट्रेन से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगी अ फुटबॉल थ्रोन इन एयर अगर आप ग्राउंड uh, पे कोई फुटबॉल पड़ा है उसको अपने पाँव से किक मारते हैं हवा में तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए मूव करेगा तो ये था प्रोजेक्टाइल आज